स्पीड टेस्ट की बात करें तो देख सकते हो कि स्पीड करीबन करीबन इस फ़ोन के ऊपर मिल जाएगी आपको 25 Mbps डाउनलोड और करीबन करीबन 9 Mbps करीबन करीबन आपको मिल जाएगी अपलोड स्पीड। तो दोस्तों हालांकि जो यहां पर वादा किया जा रहा था कि 120 Mbps तक की आपको स्पीड मिल जाएगी, फिलहाल नोएडा NCR में स्पीड है 22 Mbps डाउनलोड और करीबन करीबन 9.5 Mbps अपलोड। तो दोस्तों यहां पर स्पीड 120 नहीं है, फिलहाल मैं अभी इंडोर में हूं तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा कि स्पीड कैसे अप डाउन हो रही है जैसे मैं उसको बाहर ले जाता हूँ। तो फिलहाल अगर आप यहां पर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क इस समय कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, -74 dBm है, तो दोस्तों नेटवर्क उतना कमज़ोर नहीं है। दोस्तों एक बार एयरटेल के नेटवर्क से भी देख लेते हैं कि उस पर कितनी स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिलायंस जियो पर 34-35 आ रही है फिलहाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन करीबन 6 Mbps है डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हो क्योंकि यूज़र्स कम हैं तो यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एयरटेल 4G। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयरटेल 4G पर जो डाउनलोडिंग स्पीड रही है वो है 6.5 Mbps और दोस्तों यहाँ पर है 33.7 Mbps और यहाँ पर है अपलोड स्पीड करीबन करीबन दोस्तों 4.52 Mbps और यहाँ पर है 9.60। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कट कह सकता हूँ करके कि फिलहाल यूजर्स कम होने की वजह से रिलायंस जियो पर आपको अच्छी खासी दमदार स्पीड मिल जाएगी।